नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और दोपहर का टाइम हो रहा है, ये काम धाम हो गया है सारा, और अब बनाऊंगी मैं खाना। और आज है 16 अप्रैल, हमारी शादी की सालगिरह है। तो जी 12 साल हो गए हैं, और 12 साल का पता नहीं चला किस तरह गुजर गई। तो जी चलो, जैसे भी है, सुख दुख तो खैर होते ही हैं सबकी लाइफ में, सुख दुख पार करके साथ रहें तो अच्छा है। ऐसा तो कोई है नहीं दुनिया में जिसके पास खुशियाँ ही खुशियाँ हो, गम ना हो। तो ये तो साथी हैं दोनों, एक साथ साथ चलते हैं, कभी खुशी तो कभी गम। और बस ठीक है, अब ये हमारी ज़िंदगी में भी एक तूफान आया था ऐसा ही, तो जी चलो कोई नहीं, तूफान को पार करके फिर भी सब ठीक ठाक है, ठीक ठाक होने लग रहा है धीरे धीरे। जो हुआ था कहना, दुखा तो जाते हैं घोड़े की चाल और जाते चींटी की चाल हैं, तो धीरे धीरे होने लग रहा है, सब कुछ ठीक होने लग रहा है। और अभी इनका ऑपरेशन हुआ है, बताती हूँ मैं वीडियो में, तो काफ़ी ठीक हैं ये। अभी देखते हैं अभी कैसे क्या, थोड़ा बहुत कर लेंगे, जैसा करेंगे, वैसे मन तो है नहीं, बच्चों की खुशी के लिए होता है। तो जी चलो बनाती हूँ मैं खाना। और जी बस पहुँच गई हूँ मैं किचन में, और राजमा भिगो के रखा था तो उबाल लिया था पहले ही, और अब मैं लगा रही हूँ तड़का। और चावलों का पानी मैंने रख दिया है वहाँ पे चूल्हे, सॉरी हारी में रख दिया है चावलों का पानी, क्योंकि आजकल तो गुस्से इतने ज़्यादा सूखे हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो ज़्यादा मसाले वो नहीं डाल रही बस, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं कि आज इनको भी यही दे दूँ राजमा ही। तो जी पानी हो गया था, और ये डाल रही हूँ मैं इसमें चावल, और ये शक्कर रखी हुई है, मतलब लाए थे पापा जी 2 दिन से, तो खैर बादल ही हो रहा था, 2 दिन तक ऐसे ही रखी हुई थी, उसको सुखा के आगे के लिए, अभी तो साथ के साथ जो ला रहे हैं वो खा रहे हैं, तो इसको सुखा के रख देंगे, तो ये बिल्कुल कलर इसका चेंज नहीं होगा और ऐसा कैसा ही रहेगा बिल्कुल। तो जी इधर मैं ये बन गया था राजमा, बन गया था चावल, बन गए थे, और अब मैं बना रही हूँ इनके लिए पनीर, क्योंकि तीसरे दिन बनाती हूँ मैं ये। तो जी खाना वाना सब तैयार, पनीर बना दिया मैंने, और अब डाल रही हूँ मैं खाना, सबसे पहले मम्मी का और पापा जी का। और इधर घी रख दिया है गरम करने के लिए थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि चावलों के साथ शक्कर खाते हैं तो शक्कर में तो घी अच्छा लगता है, तो गांव में तो ऐसे ही खाते हैं, बुरा तो खैर कम ही खाते हैं, बुरा तो खाते ही नहीं, शक्कर ही खाते हैं, और जितनी टेस्टी शक्कर लगती है बुरा तो उतना लगता भी नहीं। तो जी मैंने डाल दिया इनमें थोड़ा थोड़ा सा घी, बच्चे तो खैर खाते नहीं हमारे मीठा, आरू खा लेती है कभी कभी, आयु नहीं लेता बिल्कुल भी, जैसे शक्कर ले लेते हैं बुरा ले लेते हैं। तो जी बर्तन वर्तन सब साफ़ कर दिए थे मैंने, और अब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ ये स्लेप वगैरह, और ये सारे मतलब जो थोड़ा बहुत बचता है, ये नहीं कि मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो जी थोड़ी देर रेस्ट किया, और ये बच्चे लग गए हैं सफाई में, और आयु आज तो झाड़ू वाड़ू पूरी लगा रहा है, और बच्चे सुबह से इतने एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा, फूले नहीं समारे, कभी ये कर कभी वो कर, बस भागे फिर रहे हैं। आरू को बड़ी मुश्किल से सुलाया था मैंने दोपहर में, वरना यूँ कह रही थी पता नहीं गिफ्ट विफ्ट पता नहीं अंदर कमरे में घुसे हुए पैकिंग वैकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बच्चे, तो मैं तो मना भी कर रही थी, मैं कह रहने दे डेकोरेशन वगैरह क्यों इतनी वो कर रहे हो तुम, तो दोनों के दोनों चिपट गई, मम्मा आपको क्या है। तो ये पहले लेके आए थे तो उसका सामान रखा था, तो इन्होंने ढूंढवाया मेरे से, मम्मा ढूंढो ढूंढो कहाँ है। तो जी चलो, बच्चों का शौक है, और देखो दोनों मैंने कह दिया, मैं कहा तुमने खुद ही करना है जो भी कुछ करना है, मैं कुछ नहीं हेल्प करवाऊँगी, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो लग रही हैं दोनों बहन भाई, और ये वो टेप भी थी उसमें ही, डबल साइडेड टेप थी, तो इनको ये बाहर से मतलब बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ा, सब रखा हुआ था ऐसे ही, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा, दोनों बच्चे इतनी तैयारी कर रहे हैं आपस में, और आरू भी आयू भी दोनों बहुत ही वो कर रहे, वरना मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही मुझे जैसे ये कर रहे हैं, फ्लावर वगैरह भी फूल, सुबह से फूल, मम्मा फ़ैन पे फूल लगाएंगे और पंखा चलाएंगे जब आपके कट हो गए, तो ऐसे ऐसे सोच रहे हैं ये, और मन में बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे करते हैं। तो जी जैसे भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा। और ये देख लो आरू इधर खेलने लग गई है, इसकी ये जो ये है झल्लर सी, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो ये टूट गई थी, तो आरू को तो मिल गया खेल। और इधर कर लिए हैं कपड़े चेंज मैंने भी, इन्होंने भी
पैंट वेंट तो खैर पहननी नहीं, लोअर पहनना है क्योंकि टंके लगे हुए हैं वहाँ पे, पैंट टाइट हो जाती, तो लूज सा लोअर है तो वही पहन लिया है। वैसे तो मना कर रहे थे कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि जब ऐसी हालत होती है तो मन नहीं होता। मैं कहा चलो बच्चों की, मैं भी बोल रही थी, मैं कहा जो सूट पहन रही है वही पहन लेंगे, तो आई यू आर ओ दोनों चिपट गई, नहीं मम्मा कपड़े चेंज करो, हमें नहीं पता कपड़े चेंज करो, खासकर आई यू। आई यू चिपट गया, नहीं मम्मा दूसरे सूट पहनना, दूसरे कपड़े पहनना, मेरा गोलगप्पा। तो जी बस थोड़ा बहुत मेकअप सेकअप किया और ये पहन लिया है मैंने गाउन, और कंधों में पहन लिए हैं दूसरे आर्टिफिशियल, और ये डाल लिया है दुपट्टा। तो इधर पापा जी भी आ गए हैं, बाहर बैठने के लिए गए थे, और बस हो गई हैं रेडी शेडी, बच्चों ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो बैठ गए हैं हम यहाँ पे। और मम्मी ने भी, मम्मी को बोला मैं कपड़े चेंज कर लो जैसा भी है चलो। और ये है जो आयु इधर आंटी जी को बोल के आया है, तो ये केक वगैरह बाहर से लेके आए, क्योंकि आयु आरू नहीं खा सकती और ये भी नहीं खा सकते, और हम तो खैर खाते ही नहीं ना ये खाते, बाहर का केक होता है जो, तो बस ये बच्चे ही खाते थे, हम तो बिल्कुल मतलब ऐसे ही नामचारा सा कर लेते थे, वरना ये दोनों ही खाते। तो अब की बार इस वजह से ये नहीं मंगवाया, क्योंकि आरू की तबीयत ख़राब है, इसको ये भी नहीं दे रहे हम जो, मतलब ये मावे से है और बुरे से बनाया है, तो इस वजह से नहीं लेके आए, वरना लेके आ जाते, क्योंकि बच्चे खाते हैं, तो जब बच्चों की तबीयत ख़राब है तो फिर तो आंटी जी मतलब कर रही हैं कि ऐसे कर रही हैं, तो मम्मी बोल रही थी कि इन्होंने नहीं किया बच्चों ने, दोनों ने, और ये फूल लेके खड़े थे, और ये देखो इन्होंने गिफ्ट दिखाए भी नहीं, दोनों ने पैक किए हैं गिफ्ट, बैठ के अंदर कमरे में जाके खुद अपनी मेहनत से किए हैं पैक, और इसमें है इयररिंग है और इनकी सॉक्स वगैरह है, जो भी है बहुत अच्छा है। तो इधर हम ले रहे हैं आशीर्वाद, आंटी जी बैठ गई हैं और हमारे बच्चे आ गए हैं अब हमारे पास, ये कह रही हैं देखो आरू भी पैर छू रही है तो आई भी पैर छू रहा है, अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा खुशी हो जाती है, मतलब ऐसे माहौल में मनोरंजन सा हो जाता है। तो इधर हो रहा है हमारा, मैं कहा चलो थोड़ी सी मस्ती हम भी कर लेते हैं, आयु कर रहा है हमारी शूटिंग, फोटो शूट कर रहा है आयु। तो जी आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो, और बाय बाय।